जैसे कि आप सब जानते हैं कि बड़ी ईद आने के है और बड़ी ईद के मौके पर कुर्बानी की गोश्त खाने की रवायात होती है हर घर में। सो आज का हमारा टॉपिक कुर्बानी के गोश्त या गोश्त की ज़्यादा खाने की वजह से जो सेहत पर असरात होते हैं, ख़ास तौर पर मैदे के असरात, हम इन पर बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर सलीमुल्ला जफर है, मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट हूँ। जैसे कि आज मैंने आपको बताया, आज के हमारे टॉपिक में जिसमें हम कुर्बानी के गोश्त या गोश्त खाने की वजह से जो सेहत पर मैदे के असरात होते हैं उन पर बात करेंगे। हमारे पास बहुत से ऐसे मरीज आते हैं जो ईद के मौके पर सरकारी हस्पताल की एमरजेंसियों में विज़िट करते हैं या आम डॉक्टर्स को विज़िट करने की तरफ जाते हैं कि हमें मैदे के खटे डकार, मैदे में जलन और कह आने को उल्टियाँ, इस तरह की असरात या इस तरह के अलामात के साथ मरीज आते हैं। हमारी इन मरीज़ों के लिए ख़ास तौर पर हिदायत दी जाती है कि जो लोग ऑलरेडी मैदे के मरीज़ हैं या शुगर या ब्लड प्रेशर या दिल के मरीज हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। वो कुर्बानी के गोश्त खाने में जरा एहतियात बरते हैं जरा, और हसबे जरूरत खाएं। खास तौर पे ईद के मौके पे बहुत से देखा जाता है कि बहुत से घरों में बारबेक्यू पार्टीज का एहतमाम किया जाता है, जिनमें लोग बारबेक्यू, स्पाइसी, तिक्के, मसालेजात चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो कि मैदे के लिए सख्त नुकसान देर होती हैं, और मैदे के इन दिनों में मैदे के असरात में इजाफा होता है। और ये भी देखा जाता है कि काफ़ी मरीज कोलेस्ट्रॉल के पुअर कंट्रोल के साथ और ब्लड प्रेशर की कंट्रोल ख़राब होने की वजह से भी बहुत से मरीज आते हैं। सो हमारी खास बताया था कि अपनी सेहत का ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अब मैदे के मसाइल में जिसमें बदहजमी, मैदे में जलन, खटे डकार, मुँह का जायका कड़वा होना, ये सब शामिल होते हैं। इन मरीज़ों को हदायत दी जाती है कि खाने में मिर्च मसाले, तली हुई चीज़ें और चिकनाई का इस्तेमाल कम से कम रखें, और खाना खाने के बाद फौरन लेटने से गुरेज करें। और अगर आप कोई फास्ट फूड खा रहे हैं तो ये भी सख्त, इससे आपको मैदे के मसाइल में इजाफा हो सकता है। कोशिश करें खाना खाने के बाद थोड़ा वॉक और खाना खाने के बाद फौरन लेटने से परहेज किया जाए। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद गोश्त ज़्यादा खाने से सेहत बनती है और तंदुरुस्ती में इजाफा होता है, जबकि ऐसा नहीं है। ज़्यादा गोश्त खाने से सेहत को सख्त नुकसान पहुँच सकता है, ब्लड प्रेशर और यूरिक एसिड का प्रॉब्लम काफ़ी में इजाफा हो सकता है। तो प्लीज़ इस ईद पर ख़ास अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरी अपॉइंटमेंट मरहम के थ्रू बुक करवा सकते हैं।